ओम विष्णु देवाय नमः। मेरे प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऐसा भक्ति अड्डा में। आज हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी कब है 2024 में जुलाई माह में 1 या 2 जुलाई। इस डेट को लेकर कंफ्यूज हैं लोगों में, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जाने पूजा मुहूर्त से लेकर पारण तक का शुभ समय क्या है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की उपासना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो यहाँ जानिए कि जुलाई में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हैं विष्णु देवाय नमः जरूर लिखें। योगिनी एकादशी 2024 हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी के व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है और साथ ही अनजाने में हुए गलतियों के उलझने से भी छुटकारा मिलता है। बता दें कि प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक पूर्णिमा के बाद और दूसरी अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस साल एकादशी कब है, व्रत की तिथि क्या है, किस तिथि को रखा जाएगा व्रत और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे कि एकादशी का पारण किस समय किया जाएगा। योगिनी एकादशी कब है, जाने तिथि और शुभ मुहूर्त। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 से आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि समाप्त 2 जुलाई को सुबह 8:24 पर उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत विधि 2 जुलाई 2024 को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब करें। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के द्वारा ही करना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर समाप्त होगी। ऐसे में बता दें कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई 2024 को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 के बीच किया जाएगा। योगिनी एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का उपवास रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने के बराबर फल मिलता है।